हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 1, जो है अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। ट्रायंफ का मतलब होता है विक्ट्री यानी जीत, राइट। तो स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी है एक छोटा कुत्ता है और वो अपनी अमीर मालकिन के द्वारा पैम्पर किया जाता है, यानी लाड प्यार से पाला जाता है, और जो उसकी अमीर मालकिन है वो उसे ओवरफेड यानी बहुत ज़्यादा खिलाती है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरिनरी सर्जन। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसकी जो मिस्ट्रेस है यानी उसकी जो मालकिन है वो उससे एक वेट सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता जो डॉग है वो रिकवर हो पाता है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है जेम्स हैरियट। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पर जो आई है वो है नरेटर, जिसे हम स्पीकर भी बोलते हैं। तो ये नरेटर कौन है, जेम्स हैरियट, राइट। तो वो कहते हैं कि मैं इस टाइम ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ सड़क पर देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसे देख कर बहुत ज़्यादा शॉक था, यानी उसकी बनावट ऐसी हो गई थी जिसे देख कर जो मिस्टर हैरियट है वो बहुत ज़्यादा शॉक थे। वो आगे लिखते हैं ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट हिज कॉर्नर। तो वो इस तरह से हो गया था जैसे मानो वो एक ब्लॉटेड सॉसेज हो। ब्लॉटेड का मतलब होता है सूजा हुआ या फूला हुआ, और सॉसेज का मतलब होता है मांस छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके जो सिलेंड्रिकल डिश बनाई जाती है उसे कहते हैं सॉसेज। तो वो कैसा हो गया था, मोटा हो गया था, जस्ट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, और जिसके चारों कोनों में पैर हैं। वो आगे कहते हैं हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, तो उसके जो आंखें थी वो लाल थी और पानी पानी थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जोज, और वो सीधे देख रहा था और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से नीचे की ओर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे हैजंट टू एक्सप्लेन, तो मिसेस पम्फ्रे यहाँ पर कौन है, वो जो ट्रिकी है स्मॉल डॉग उसकी ये ऑनर है, राइट। तो मिसेस पम्फ्रे जो कह तेजी से वो एक्सप्लेन करती हैं मिस्टर हैरियट को, ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं, एनर्जी की कमी है इसमें मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे इसमें एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, खाना जिससे कि न्यूट्रिशन ना मिले, मतलब न्यूट्रिशन की कमी का होना, राइट। तो फिर वो कहती हैं सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं उसे खाने के दौरान कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ ताकि उसकी जो बॉडी है वो बन सके, उसे ताकत मिल सके, राइट। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, और वो क्या देती हैं, कुछ माल्ट देती हैं, कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक तरह की मछली होती है जिसके लीवर से ऑयल निकाला जाता है। तो वो इस तरह के एक्स्ट्रा जो थी वो अपने डॉग को देती थी, और इसके अलावा वो एक हॉर्लिक्स के एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी ताकि उसे वो रात को देती थी जिससे वो सो सके। नथिंग मच रियली, इसके बाद वो कहती हैं कि इससे ज़्यादा और कुछ मैं नहीं देती थी। इस पर मिस्टर हैरियट कहते हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपने मीठा देना बंद किया। मिसेस पम्फ्री कहती हैं ओह आई डिड फॉर अ बीट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, यानी हाँ मैंने देना बंद तो किया था बट थोड़ा सा, बट वो मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और वो उसे फिर देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वो बहुत ज़्यादा क्रीम केक और चॉकलेट को पसंद करता है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट ने दोबारा उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा, और उस डॉग का क्या नाम था, ट्रिकी, राइट। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, तो ट्रिकी की जो गलती थी वो एक ही गलती थी कि वो बहुत ज़्यादा लालची था।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टेक अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। उसे जब भी खाना मिल जाए वो खाता रहता था। दिन हो या रात हो, वो जब भी खाना उसे मिले वो खाता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसिज पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। और मैं इस बात पर ज़्यादा चकित था कि मिसिज पम्फ्री ने और भी बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं किया था। फिर भी मिस्टर हैरियट खुद पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या आप उसे कसरत करवा रही हैं, एक्सरसाइज करवा रही हैं? इस पर मिसेस पम्फ्री कहती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वेल, आप जैसा देख सकते हैं कि वो मेरे साथ छोटे छोटे वॉक के लिए निकलता है। बट हॉजकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। लेकिन जो हॉजकिंग है, जो गार्डनर है, जो माली है, उसे लैम्बगो हो गया है, यानी जो लोअर बैक पेन होता है तो वो हो गया है। तो इसलिए अभी जो रिंग थ्रोइंग जो गेम है वो नहीं हो पा रही है। रिंग थ्रोइंग मतलब जहाँ पर एक रिंग को फेंका जाता है और डॉग उसे पकड़ कर लाते हैं, खेलते हैं, इसी को कहते हैं रिंग थ्रोइंग, राइट? इस पर जो मिस्टर हैरियट हैं वो कहते हैं, आई ट्राई टू साउंड सेवरे, यानी मैंने कुछ हार्ड साउंड करने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, आई मीन इट एक फ्रेजेज है जिससे कि ये सेंटेंस बना है। नाउ आई रियली मीन दिस, इसका मतलब होता है अब मैं सच कह रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, एंड गिव ही मोर एक्सरसाइज, और इसे अगर ज़्यादा एक्सरसाइज आपने नहीं करवाया, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, ये ज़रूर बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल को कड़ा करना होगा और इसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। फिर मिसेस पम्फ्री अपने हाथों को मसलती हैं और कहती हैं, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, ओह हाँ मैं ऐसा ही करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सिर सेट ऑफ, और वो फिर चल पड़ती हैं। कैसे चल पड़ती हैं वहाँ से? हेड डाउन, उनका सर झुका हुआ होता है अलॉन्ग द रोड, और वो रोड के किनारे वो चल पड़ती हैं। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम इन टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ठान लिया है कि वो इस न्यू रूटीन को जल्दी ही अप्लाई करेंगी। मिस्टर हैरियट कहते हैं, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं उन्हें उसे जाते हुए देख रहा था और वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं मिसेज पम्फ्री उसे अप्लाई करेंगी कि नहीं, उसे एक्सरसाइज देंगी कि नहीं, और जो उन्होंने मना किया है वो करेंगी कि नहीं। ट्रिके वॉज स्टार्टरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, और ट्रिके जो था वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था अपने ट्वीट कोट के साथ। ट्वीट कोट क्या होता है? ट्वीट कोट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्वीट कोट है, राइट, जिसे डॉग को पहनाया जाता है। तो ट्वीट जो होता है एक थिक होता है और बहुत ही गर्म कपड़ा होता है, उसे ट्वीट कोट कहते हैं, राइट? ओके, ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दिस कोट्स, और उसके पास एक बहुत वार्ड्रोब था इसी तरह के कोट के, उसके पास एक पूरा का पूरा वार्ड्रोब था। क्योंकि वो जो मिसेस पम्फ्री थी वो एक रिच लेडी थी, इस वजह से उन्होंने ट्रिकी के लिए कोई कमी नहीं की थी, और उसके लिए एक कोट का एक पूरा का पूरा वार्ड्रोब भी था। और इसके लिए वो फॉर द कोल्ड वेदर, और उसके लिए जो कोल्ड वेदर के लिए भी कोट थे उसके, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन कोट भी थे वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, तो वो क्या कर रहा था, स्ट्रगल करके चल रहा था अपने सर को झुकाए, और उसके जो गले में चैनवेन बंधा हुआ था उसके साथ ही वो अपनी हेड डाउन करके वो चला जा रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। यहाँ पर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि उन्हें यकीन था कि ये ज़्यादा दिन नहीं होगा और मिसेस पम्फ्रे उन्हें ज़रूर कॉल करेंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जो जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कॉल कुछ दिनों के बाद ही आया। किसका आया कॉल? मिसेस पम्फ्रे का। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी नहीं खा रहा था, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट डिशेज को भी रिफ्यूज़ कर रहा था, इनकार कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा वो क्या कर रहा था, कुछ कुछ समय के बाद वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और वो अपना ज़्यादातर समय जो क्या कर रहा था, हाँफते हुए बिता रहा था रग पर। रग पर क्या, रग मतलब क्या होता है, जो कपड़े का टुकड़ा होता है जिस पर वो लेटा करता था, तो वो हाँफते हुए सारा दिन रग पर लेटा रहता था।
डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, वो वॉक पर भी नहीं जाना चाहता था और ना ही कुछ करता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मिस्टर हेरियट कहते हैं कि मैंने पहले ही एडवांस में प्लान बना कर रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और वो प्लान ये था कि ट्रिकी को कुछ पीरियड के लिए उसे उसके घर से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने मिस्टर हेरियट ने मिसेस पम्फ्री को सजेस्ट किया कि जो ट्रिकी है उसे फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताह के लिए उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, जिससे कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे यानी उसकी देखभाल किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो पुअर लेडी थी ऑलमोस्ट वो होश खो बैठी थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यहाँ पर वो सोचती हैं कि वो श्योर थी कि अगर उनका जो डॉग है अपनी मालकिन को रोज़ नहीं देखेगा तो वो श्योर वो उदास हो जाएगा और मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन अब मिस्टर हेरियट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक तरीका था जिससे कि उसे बचाया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और इनफैक्ट उन्होंने सोचा कि बिना देरी किए उसे वहाँ से ले जाए। एंड फॉलोड बाई मिसिस पम्फ्रीज वैलिंग्स, क्योंकि वो जानते थे कि मिसिस पम्फ्रीज जो है वो अपने डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव रखती हैं, इस वजह से शायद वो मना कर देती। इस वजह से मिस्टर हेरियट है वो उन्होंने सोचा कि बिना देरी के ट्रिकी को यहाँ से ले जाए, चाहे वो पम्फ्रीज चाहे कितना भी रोए धोए, लेकिन फिर भी ट्रिकी को यहाँ से ले जाना ही एक ही रास्ता है जिससे कि उसे बचाया जा सकता है। फिर वो कहते हैं आई मस्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो वो कहते हैं वो बाहर निकले और कार में वो क्या करते हैं, जो लिटिल डॉग है ट्रिकी है उसे रैप करते हैं और ब्लैंकेट से रैप करते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। तो वो क्या कहते हैं कि जितना भी सारे इंटायर स्टाफ थे, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्री थी बहुत ही रिच लेडी थी तो उनके यहाँ बहुत सारे स्टाफ भी थे, तो उन्हें जगा दिया गया और वो सारे के सारे जो मेड्स थे सर्वेंट थे वो रश करने लगे और जल्दी जल्दी वो ट्रिकी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उन्हें बाहर लेकर आने लगे। जैसे कि दिन में जो वो जिस बेड पर सोता था वो डे बेड, रात में जिस पर वो सोता था वो नाइट बेड, और इसी तरह के उसके जो फेवरेट कुशन थे, जो टॉयज थे, रबर रिंग्स थे, यहाँ तक कि वो जिस नाश्ता जिस बाउल में खाता था वो बाउल, लंच जिस बाउल में खाता था वो बाउल, सपर यानी रात का भोजन जिस बाउल में खाता था वो बाउल, वो सभी लेकर के बाहर आने लगे। तो रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, तो जो मिस्टर हेरियट है उन्होंने रियलाइज़ किया कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं ट्रिकी की वो मेरी कार में नहीं आ सकती। तो उन्होंने क्या किया कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, उन्होंने ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो, तो जैसे ही वो वहाँ से मूव हुए मिसेस पम्फ्रे जो थे वो रोते हुए क्या करती हैं कि वो जितना भी हाथों से हो सकता था वो जो लिटिल जो कोर्स होते हैं जो कोर्स थे ट्रिकी के वो उठाती हैं और विंडो से बाहर फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, उन तो वो मिस्टर हेरियट कहते हैं कि उन्होंने ये सब मिरर से देखा जैसे ही वो कॉर्नर से टर्न कर रहे थे ड्राइव करते हुए। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। फिर वो कहते हैं कि जब वो ड्राइव कर रहे थे तो उन्होंने उस पैथेटिक मतलब जिस पर दया की जाए तो वैसे एनिमल्स पर उन्होंने एक नज़र डाली यानी ट्रिकी पर नज़र डाली और वो क्या कर रहा था, उन्हीं के बगल की सीट में वो था और वो गैस्पिंग कर रहा था यानी वो हाँफ रहा था, राइट। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, तो उन्होंने क्या किया उस ट्रिकी के हेड को पैट किया, मतलब जिस तरह से हम लोग सहलाते हैं उस तरह से उन्होंने किया, और ट्रिकी जो है बहुत एफर्ट के साथ यानी चूँकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था वो इतना भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने एफर्ट के साथ अपनी पूँछ को वैग किया यानी हिलाया।
पुअर ओल्ड लैड। अब यहाँ पर मिस्टर हैरिट कहते हैं बेचारा, लैड का मतलब होता है बॉय, तो इस तरह से यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगा बेचारा, राइट। तो आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है बट मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्योर जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, राइट। फिर वो कहते हैं कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, वो कहते हैं सर्जरी जहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर जो जितने सारे वहाँ पहले से डॉग्स थे, क्योंकि अब जो मिस्टर हैरियट थे वो वहाँ पर अपने सर्जरी जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पहुँच गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स जो थे वो क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो जो ट्रिकी था वो नीचे देखता है, एक नॉइजी पैक को देखता है, यानी बहुत सारे जो डॉग्स थे वो नॉइज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो ट्रिकी था वो उन्हें देखता है लेकिन अपनी डल आँखों के से देखता है, और जब उसे पुट डाउन यानी नीचे रखा जाता है कारपेट पर तो वो मोशनलेस हो जाता है, यानी कि उसमें कोई हरकत ही नहीं हो रही होती। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो जो दूसरे डॉग्स थे जो उसे कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड के लिए उन्होंने सूंघना शुरू किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स क्या करते हैं, सूंघते हैं, राइट। तो वो डॉग्स भी ट्रिकी को सूंघने लगे थे, तो जब क्योंकि वो जो ट्रिकी था वो मोशनलेस था, हिल भी नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि शायद ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और इतना ये सोचकर उन्होंने ट्रिकी को इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फिर उसके बाद जो मिस्टर हैरियट है वो एक वार्म लूज बॉक्स लेते हैं और उसमें टिकी के लिए बेड बनाते हैं और उसे वहाँ रख देते हैं जहाँ बाकी के डॉग क्या करते थे, सोते थे। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और दो दिनों तक वो टिकी के ऊपर नज़र बनाए रखे थे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और उन्होंने उसे खाने में कुछ भी नहीं दिया था लेकिन सिर्फ पानी ही पानी उसे दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के शाम को यानी सेकेंड डे जो ट्रिकी है वो अपना कुछ इंटरेस्ट दिखाता है अपने चारों ओर। एंड ऑन द थर्ड ही बिगिन टू व्हिंपर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, और वो तीसरे दिन क्या करता है, जब यार्ड में डॉग्स के आवाज़ को सुनता है तो वो भी व्हिंपर करता है, वो भी मटरिंग करता है, साउंड क्रिएट करता है। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो Tricky क्या करता है, बाहर आता है और वो immediately अचानक वो क्या करता है, जो घिर जाता है, ठीक है। जो कौन है, एक greyhound यानी एक तरह का dog होता है जो लंबा होता है, पतला होता है, तो उसे कहते हैं greyhound। तो उसका नाम क्या है, जो। वो जो और उसके फ्रेंड से गिर जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और कुछ देर तक उसको रोल करते हुए, उसको नज़र करते हुए, उसको इंस्पेक्ट करते हुए, यानी कौन है, कहाँ से आया, इस तरह से उसको जज करते हुए वो डॉग्स उसे जज करते हैं, यानी उसे इंस्पेक्ट करते हैं कि आखिर कौन है, कहाँ से आया है। फिर उसके बाद जब वो ऐसे कर चुके होते हैं तो फिर डॉग्स क्या करते हैं, वो गार्डन की तरफ चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, लेकिन वो चलते हुए धीरे धीरे चलते हुए जा रहा था, फॉलो कर रहा था लेकिन अपने सरप्लस फैट के साथ, ठीक है। सरप्लस फैट मतलब वो तो पहले से ही मोटा हो गया था, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे उसे गार्डन की तरफ ही वो उन्हें फॉलो कर रहा था। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, दूसरे दिन वो जो मिस्टर हैरियट थे वो खाने के वक्त वहाँ पर प्रेजेंट थे। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, उन्होंने वॉच किया कि जो ट्रिस्टन कौन है, एक वन ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ का नाम है, वो क्या करते हैं, बाउल्स में फूड रखते हैं डॉग्स को खाने के लिए, राइट। तो देर वॉज द यूजल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो वहाँ पर जैसे ही वो खाना रखते हैं बाउल्स में तो बहुत सारे जो डॉग्स होते हैं वो दौड़ कर आते हैं, यानी रश करते हुए आते हैं, और एक फिर वो अपना खाना लेते हैं और स्पीड के साथ लेते हैं और उन्हें एक साउंड के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो चूंकि हर डॉग ये जानता था कि अगर वो पीछे रह जाएगा खाना लेने में तो वो कंपटीट करना पड़ेगा दूसरों से, यानी कि पहले आना है जितनी जल्दी हो सके लेना है खाना और उसके बाद खाना है, अदरवाइज उन्हें जो खाना बचा हुआ है वही खाना पड़ेगा,
राइट। इसके बाद मिस्टर हैरियट कहते हैं, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स। तो जब वो खाना खा चुके होते हैं तो ट्रिकी क्या करता है, एक वॉक करता है यानी चलता है, ठीक है, और वो शाइनिंग बाउल्स की तरफ आता है जिसमें बहुत सारे जो खाना था अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ पड़ा हुआ था, उन बाउल्स की तरफ आता है, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो एक दो बाउल्स में वो क्या करता है, उसको लीक करता है। हम लोग जानते हैं कि जो डॉग्स होते हैं किस तरह से खाते हैं, खाना को लीक करके खाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। तो दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया था ट्रिकी के लिए, एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम। और जो मिस्टर हैरियट है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, जस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। यानी जो मिस्टर हैरियट थे वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि जो ट्रिकी है वो जॉसलिंग करते हुए आ रहा था, मतलब कि धक्का मुक्की करते हुए वो अपना खाना लेने के लिए आ रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज़ हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल दे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। उसे किसी भी तरह से मेडिसिनल ट्रीटमेंट पर वो नहीं था, लेकिन वो जो दिन भर वो क्या करता था, वो बाकी डॉग्स के साथ वो दौड़ता रहता था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। मतलब कि वो डॉग्स के साथ सारा दिन भर वो दौड़ता रहता था और वो उनके साथ फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, मतलब कि वो लड़ाई करता था, लेकिन कैसा लड़ाई करता था, वो फ्रेंडली लड़ाई करता था उनके साथ मिल करके, वो खेल में वो लड़ाई करता था, राइट। तो ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही डिस्कवर द जॉयस, यानी उसने खुशी को ढूंढ लिया था, कि उसे अब पता चल गया था कि क्या होती है खुशी बिंग बॉल्ड ओवर, यानी एक दूसरे से टकराने में क्या खुशी मिलती है, एक दूसरे से चलने में क्या खुशी होती है, एक दूसरे को मसलने में क्या, स्क्वैश करने में जो होते हैं, फाइट करना, एक दूसरे को पकड़ कर फाइट करना, ये उन सभी को उसमें क्या जॉय होती, क्या खुशी होती है, उसने उसे खोज लिया था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रेड्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो ट्रिकी हैं वो एक एक्सेप्टेड मेम्बर बन गया था उस गैंग का, और वो क्या था, अनलाइकली, वो उन जैसा नहीं था, वो सिल्की था, एक लिटिल ऑब्जेक्ट यानी एक छोटे चीज़ की तरह वो एक सिल्की था, और किसके बीच वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, वो शैगी क्रियो की तरह, क्योंकि बाकी के जो डॉग थे वो रफ थे, शैगी के ट्रिकी की तरह नहीं थे, तो वो रफ थे, और वो क्या करता था कि फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। तो वो क्या करते थे, फ़ाइट करते थे लाइक अ टाइगर, वो फाइट करते थे ताकि वो अपने खाने को शेयर कर सके मील टाइम्स में खाने के वक्त, एंड हंटिंग रैट्स, और वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, रैट्स का हंट करते थे वो ओल्ड हेन हाउस में रात के वक्त। तो आगे राइटर कहते हैं, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ज़िंदगी में वैसा उसके पास ऐसा कोई टाइम ही नहीं था, क्योंकि जो ट्रिकी था वो अपनी रिच मिस्ट्रेस के पास रहता था, और उसके पास ऐसा जो साथ था, ऐसी जो वक्त था, ऐसा नहीं था बिल्कुल, ठीक है। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। इधर तो जो ट्रिकी है उसकी वो सोच रही थी कि इधर ट्रिकी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उधर जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और हमेशा क्या करती थी, आगे पीछे करती रहती थी, राइट। जैसे कि रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, वो क्या करती थी, दिन भर में कई बार वो रिंग करती थी ताकि उन्हें न्यूज़ मिल सके, लेटेस्ट बुलेटिन यानी लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके कि वो ट्रिकी अब है कैसा। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्नड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। यहाँ पर डॉज्ड का मतलब होता है टालना। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं टाल देता था उनके क्वेश्चंस को, कि जैसे कि वो क्या पूछती थी कि उसका क्वेश्चन जो है हमेशा बदला जा रहा है कि नहीं, रेगुलर बदला जा रहा है कि नहीं, उसे करेक्ट कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं वेदर के अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली।
तो वो इन सारी क्वेश्चन को हमेशा वो टाल जाते थे। सिर्फ वो इतना कहते थे कि जो ट्रीकी है, जो लिटिल फेलो है, वो अब डेंजर से बाहर है और उस वो अभी रैपिडली वो कवर हो रहा है, यानी कि वो अब तेज़ी से वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेलसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। जो ये वर्ड है कन्वेलसिंग, इसका मतलब होता है चंगा होना, अच्छा होना। तो जो ये वर्ड है कन्वेलसिंग, तो ये सुनकर ही मिसेस पम्फ्रे को कुछ महसूस हुआ, कुछ लगा, तो और उन्होंने कुछ करना चाहा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रीकीज स्ट्रेंथ। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, और वो फिर क्या करती हैं, वो फिर फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर देती है 2 dozen एट अ टाइम, यानी एक ही बार में 2 dozen, ताकि वो ट्रीकी जो है उसे ताकत मिल सके, वो ये खाए और इसे खाकर उसे ताकत मिल सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ट्रिकी के लिए एग्स भेजा करती थी, लेकिन जो मिस्टर हैरियट है वो उसे ना देकर, क्योंकि वो जानते थे कि ये खाना ही इसके लिए प्रॉब्लम था, इसलिए वो उसे ना देकर वो और उसके जो पार्टनर्स थे वो अपने ब्रेकफास्ट में 2 अंडे खाना उन्होंने शुरू कर दिया था। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जैसे ही अब वाइन की बॉटल जब वहाँ पहुँचने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। इससे क्या हुआ, उनकी जो पार्टी जो कर रहे थे वो, उनका घर जो था इस पर वो चमक गया था, यानी कि अंडों के साथ साथ अब उन्हें वाइन भी मिलना शुरू हो गया था। इट वॉज़ टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो ऐसा जो मिसेज पम्फ्रे थी वो क्यों ऐसा कर रही थी, क्यों भेज रही थी वाइन, ताकि वो जो ट्रिकी की जो ब्लड है वो एनरिच हो सके, यानी कि प्योरीफाई हो सके। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो लंच था वो एक सेरेमनी के तरह बन गया था, क्योंकि उसमें उन्हें 2 glass उन्हें वाइन मिल रहा था खाना खाने से पहले और खाना खाने के दौरान। राइट, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द बरांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। तो फिर उनको तब यकीन नहीं हुआ जब वाइन के साथ साथ ब्रांडी भी मिसेस पम्फ्रे जो है वो भेजना शुरू कर दिया था उन्होंने अपनी ट्रिकी के लिए। तो वो क्या करते थे, कुछ दिनों तक वो मिस्टर हैरियट जो थे कुछ दिनों तक अपने साथी के साथ, मतलब जितने स्टाफ थे उनके साथ वो उन्हें मिलकर पीते थे, लेकिन उससे पहले वो उसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसे इनहेल करते थे, पहले सूंघते थे और रिस्पेक्ट के साथ उसके बाद उसे पीते थे। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो उनकी जो दिन थी वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उनकी जो सुबह होती थी वो 2 अंडों से शुरू होती थी और उसके बाद सस्टेन होती थी मिड डे में, यानी कि उन्हें दोपहर में उन्हें वाइन मिलती थी, और उनकी जो दिन थी वो फिनिश कब होती थी, जब रात के वक्त वो फायर के, वो लोग फायर के चारों ओर बैठ करके वो लग्जरियसली, यानी कि एक जैसे रिच लोग करते हैं, अमीर लोग करते हैं, वो इस तरह से बैठ करके वहाँ पर ब्रांडी पीते थे। राइट, इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि ये एक लालच हो गया था कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए, ताकि उन्हें जो एग्स मिल रहे हैं, वाइन मिल रहे हैं, ब्रांडी मिल रही है, वो उन्हें मिलती रहे। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर 4 nights फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टर हैरियट भी जानते थे कि मिसेस जो पम्फ्रे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, वो बहुत चिंतित हैं ट्रिकी को लेकर के, और वो उसे अपने साथ रखना चाहती हैं। तो 14 दिनों के बाद, यानी कि जो 2 हफ्ते के बाद, वो मजबूर है फ़ोन करने के लिए उन्हें, और उन्होंने उसे उन्हें बताया कि जो लिटिल डॉग है, जो ट्रिकी है, वो रिकवर हो चुका है और वो वेट कर रहा है कलेक्शन के लिए, यानी कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो आए और अपने डॉग को ले जाए। राइट, विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। सर्जरी यहाँ पर हम हॉस्पिटल समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल ही है। तो कुछ ही देर के बाद
कुछ मिनटों के बाद जो एक 30 फीट लंबी चमचमाती हुई एक कार जो है वो हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है, सर्जरी के बाहर आकर रुकती है। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। द शॉफर जो ड्राइवर है, जो शॉफर है वो दरवाज़ा खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, तो जो मिस्टर हैरियट है वो समझ जाते हैं कि अंदर मिसेस पम्फ्री हैं और वो लगभग खोई हुई हैं। हर हैंड्स वो टैटली क्लास्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और वो क्या करती हैं, वो टैटली अपने हाथों को ऐसे टैटली रखती हैं, ठीक है, उनके हाथों पे। तो हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो लिप्स थे वो अभी भी लड़खड़ा रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, ओ मिस्टर हैरियट मुझे सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो सही में अच्छा है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो अच्छा है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तो आपको ज़रूरत नहीं है कार से उतरने की। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊँगा और उसे लेकर आऊँगा। फिर वो आगे कहते हैं, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, फिर वो घर से होते हुए गार्डन की ओर जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हार्डलिंग राउंड एंड राउंड, बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो रनिंग कर रहे थे, राउंड एंड राउंड घूम रहे थे लॉन में। एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में एयर्स फ्लैपिंग, यानी कानों को फ्लैप करते हुए, टेल को वेव करते हुए यानी हिलाते हुए, वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्री की, वहाँ पर कौन था, लिटिल गोल्डन फिगर था किसका, ट्री की का, यानी वो वहाँ पर ट्री की था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफोर्ड इन टू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स, तो इन 2 हफ्तों में जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो गया था, उसके जो मसल थे वो हार्ड हो गए थे, वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल्स बन गया था, ठीक है, क्योंकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा मोटा था, फिर उस वो जब ठीक हुआ तो इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल हार्ड मसल्ड एनिमल्स में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो घुल मिल गया था उन सभी डॉग्स के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो स्ट्रेच करता था यानी वो फिसलता था, और इस तरह से कि हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड में ब्रश करती थी, राइट। तो आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेते हैं और वो घर के सामने आते हैं, ठीक है, यानी हॉस्पिटल जो है सर्जरी है उसके बाहर आते हैं, राइट। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो शॉफर थे वो अभी भी कार की डोर को ओपन यानी खोला ही पकड़े हुए था। एंड वेन ट्रिकी सो हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पम्फ्रेज लैप, ओके। तो जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है वो वहाँ से उछलते हुए, यानी कि मिस्टर हैरियट के हाथों से बाजू से कूद कर वो उछलते हुए वो सीधा मिसेस पम्फ्री के गोद में जाकर बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टलेड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, तो वो क्या कहती है, चौंक जाती हैं और ओह कहती हैं, और वो खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि वो कूद कर जब उनके गोद में आकर बैठ गया था और उन पर बैठ गया था, तो वो उनको लीक कर रहा था, ठीक है, भौंक रहा था, लीक कर रहा था, वो उससे खुद को बचा रही थी, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के दौरान, क्योंकि वो जो डॉग था वो अपनी जो मिस्ट्रेस है उनको बहुत ही ज़्यादा लीक कर रहा था, बाग कर रहा था, ठीक है। तो इसी एक्साइटमेंट के दौरान जो मिस्टर हैरियट है वो शॉफर को लेकर अंदर जाते हैं और साथ में वो उनकी हेल्प करते हैं, और जो ट्रिकी के जितने भी सारे बेड्स थे, टॉयज थे, कुशन थे, कोट थे और बाउल्स थे, वो सबको लेकर आते हैं जिसके वो कभी यूज़ ही नहीं किया गया था, ठीक है, इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाती है, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे जो है वो विंडो से, खिड़की से वो लीन आउट होती हैं, वो झुकती हैं, झांकती हैं, टीयर्स शोन इन हर आइज, जो आंसू है उनकी आँखों में झलकती है, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ है वो फड़फड़ाते हैं, मतलब उनकी जो होंठ है वो हिलते हैं। ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, ओह मिस्टर हैरियट वो रोकर कहती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपकी किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी पर जीत है, राइट। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, समझ में आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, थैंक यू। फिर वो आगे कहते हैं, आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, फिर वो घर से होते हुए गार्डन की ओर जाते हैं। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हार्डलिंग राउंड एंड राउंड,
बहुत सारे जो डॉग्स हैं वो रनिंग कर रहे थे, राउंड एंड राउंड घूम रहे थे लॉन में, एंड इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में एयर्स फ्लैपिंग यानी कानों को फ्लैप करते हुए, टेल को वेव करते हुए यानी हिलाते हुए, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रीकी। वहाँ पर कौन था? लिटिल गोल्डन फिगर था किसका? ट्रीकी का, यानी वो वहाँ पर ट्रीकी था। इन टू वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफोर्ड इन टू अ लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल्स। तो इन दो शब्दों में जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल हो गया था, उसके जो मसल्स है वो हार्ड हो गए थे, वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल्स बन गया था, ठीक है, क्योंकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा मोटा था, फिर उस वो जब ठीक हुआ तो इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया था एक बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल हार्ड मसल्ड एनिमल्स में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो घुल मिल गया था उन सभी डॉग्स के साथ, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो स्ट्रेच करता था यानी वो फिसलता था, और इस तरह से कि हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड में ब्रश करती थी, राइट। तो आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। फिर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेते हैं और वो घर के सामने आते हैं, ठीक है, यानी हॉस्पिटल जो है सर्जरी है उसके बाहर आते हैं, राइट। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो शॉफर थे वो अभी भी कार की डोर को ओपन यानी खुला ही पकड़े हुए था। एंड वेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिसेस पम्फ्रेज लैब। ओके, तो जैसे ही ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है वो वहाँ से उछलते हुए यानी कि मिस्टर हैरियट के हाथों से बाजू से कूद कर वो उछलते हुए वो सीधा मिसेस पम्फ्री के गोद में जाकर बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टलेड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉम्प्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। तो वो क्या करती है, चौंक जाती हैं और ओ कहती हैं और वो ख़ुद को बचाने की कोशिश करती हैं, जैसे कि वो कूद कर जब उनके गोद में आकर बैठ गया था और उन पर बैठ गया था तो वो उनको लीक कर रहा था, ठीक है, भौंक रहा था, लीक कर रहा था, वो उससे खुद को बचा रही थी, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ व्हिच हैड बीन यूज्ड ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट के दौरान, क्योंकि वो जो डॉग था वो अपनी जो मिस्ट्रेस है उनको बहुत ही ज़्यादा लीक कर रहा था, बाग कर रहा था, ठीक है, तो इसी एक्साइटमेंट के दौरान जो मिस्टर हैरियट है वो शॉफर को लेकर अंदर जाते हैं और साथ में वो उनकी हेल्प करते हैं, और जो ट्रिकी के जितने भी सारे बेड्स थे, टॉयज थे, कुशन थे, कोट थे और बाउल्स थे, वो सबको लेकर आते हैं जिसके वो कभी यूज़ ही नहीं किया गया था, ठीक है, इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाती है, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे जो है वो विंडो से, खिड़की से वो लीन आउट होती हैं, वो झुकती हैं, झांकती हैं, टीयर्स शोन इन हर आइज़, जो आंसू है उनकी आँखों में झलकती है, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके जो होंठ है वो फड़फड़ाते हैं, मतलब उनकी जो होंठ है वो हिलते हैं। ओह मिस्टर हैरियट सी क्राइड, ओह मिस्टर हैरियट, वो रोकर कहती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपकी किस तरह से शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी पर जीत है, राइट। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, समझ में आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, थैंक यू।